नमस्कार दोस्तों, एमपीपीएससी प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ को कंटिन्यू रखते हुए अभी तक हमने टोटल 49 क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर लिए हैं। आज हम क्वेश्चन पेपर नंबर 50 डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे पहले सवाल के साथ। और आज के जो हमारे सवाल है वो इकोनॉमिक्स पे बेस्ड होंगे। तो पहला सवाल पूछा है, यूरोपीय संघ ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर कितने प्रतिशत वैश्विक न्यूनतम कर लगाने की योजना अपनाई है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 15%। अगला सवाल है, जीएसटी परिषद या जीएसटी काउंसिल की जो 48 नंबर की बैठक है में जीएसटी के तहत अभियोजन शुरू करने के लिए कर राशि की न्यूनतम सीमा बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपए जो है वो कर दी गई है। अगला सवाल है, इसमें बोला है, सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च के अनुसार भारत किस वर्ष तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? तो वर्ष 2037 तक जो है सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार भारत जो है वो तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। अभी प्रेजेंट में हम 5वें नंबर पे है, 2037 तक हम 3rd प्लेस पे आ जाएंगे। अगला सवाल है, भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता जो है वो कब लागू हुआ है? तो ये 29 दिसंबर 2022 से लागू हुआ है ना। तो भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता जो है ये कब से लागू हुआ है? तो 29 दिसंबर 2022 से। अगला सवाल है, किस बैंक ने राजस्थान में अपना प्रमुख कार्यक्रम एमएसएमई प्रेरणा लॉन्च किया है? तो ये इंडियन बैंक ने एमएसएमई प्रेरणा लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? इंडियन बैंक ने। अगला है, दक्ष जो है वो किस संस्था द्वारा संचालित पेमेंट फ्रॉड रिपोर्टिंग मॉड्यूल है? तो ये रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा चलाया जा रहा है ना। दक्ष नाम का जो है एक संस्था है और ये स्वचालित या संचालित पेमेंट फ्रॉड रिपोर्टिंग मॉड्यूल है जिसको रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा चलाया जा रहा है। अगला है, भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्थित 8 लेन जुआरी ब्रिज किस राज्य में शुरू किया गया है? तो ये गोवा में शुरू किया गया है। अगला सवाल है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 2021-22 में शीर्ष लाभ कमाने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की उद्यम कंपनी कौन सी बन गई है? तो ONGC हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारतीय रिजर्व बैंक की प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण घरेलू बैंकों DSIB की नवीनतम सूची में शामिल नहीं है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा जो है इस सूची में शामिल नहीं है, है ना। आप लोगों को टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, PDF आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर बहुत ही जल्द प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है, केंद्र सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में प्रबंध निदेशकों या मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सहित पूर्णकालिक निदेशकों का कार्यकाल बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो 5 साल से बढ़ाकर 10 साल कर दिया है। अगला सवाल है, किस संस्था ने गुड्स ट्रेड बैरोमीटर 2022 प्रकाशित किया है? तो ये विश्व व्यापार संगठन या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने गुड्स ट्रेड बैरोमीटर 2022 प्रकाशित किया है। विश्व बैंक के प्रवासन और विकास संक्षिप्त के अनुसार 2022 में भारत को रेमिटेंस प्रवाह जो है वो कितने होने की भविष्यवाणी की गई है? तो ये $100 बिलियन की है ना, मतलब $100 बिलियन का रेमिटेंस जो है वो भारत को मिलेगा और भारत नंबर 1 कंट्री है जिसको सबसे ज़्यादा रेमिटेंस मिलता है। हाल ही में जारी ग्लोबल प्राइम सिटीज़ इंडेक्स में मुंबई कौन से स्थान पर रहा है? तो ये 22वें स्थान पर रहा है। अगला सवाल है, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने किस पहल के तहत मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण के साथ करेंसी स्वैप समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? तो SARC करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क के साथ में। अगला सवाल देखते हैं हम, इसमें बोला है, हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में मौद्रिक नीति 2022 में रेपो रेट 0.35 बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया गया है? तो रेपो रेट 6.25% हो चुका है। अगला है, इसमें बोला है, केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी रक्षा मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन की घोषणा के अनुसार भारत मछली उत्पादन के मामले में 3रे स्थान पर आ चुका है, ठीक है, हम 3रे स्थान पे हैं मछली उत्पादन के मामले में। अगला है, किसके द्वारा भारत में अपना पहला ग्रीन डेटा सेंटर लॉन्च किया गया है? तो ये फ़ोनपे के द्वारा लॉन्च किया गया है ना। ग्रीन डेटा सेंटर किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? फ़ोनपे के द्वारा। ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स 2022 में जो है 2020 में दुनिया में सबसे ज़्यादा गरीब लोग किस देश में थे? तो देखो 2020 में भारत में सबसे ज़्यादा गरीब लोग आपको देखने को मिल जाएंगे, है ना। और ये इंडेक्स में यही बताया गया है, भारत में बहुत सारे लोग हैं जो गरीब है। अब आप लोग समझेंगे कि जैसे मान लीजिए हमारे लगभग 142 या 140 के आसपास जो है ना, 140 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन देखने को मिलेगी। अब पॉपुलेशन का डेटा इतना बड़ा है तो परसेंटेज आप लोग समझ ही सकते हैं कितना निकलेगा, ठीक है। कौन सा देश चीन को पीछे छोड़कर भारत का 3रा सबसे बड़ा निर्यातक देश बना है? तो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, नीदरलैंड।
अगला है जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति द्वारा वाणिज्यिक खेती के लिए किस जीएम सरसों को मंजूरी दी गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसका सही आंसर हो जाएगा DMH 11। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है यहाँ पे, DMH 11। अडानी ग्रुप ने किस राज्य में देश की सबसे बड़ी और शक्तिशाली विंड टर्बाइन स्थापित की है, तो ये गुजरात में स्थापित की है इन्होंने, ठीक है, गुजरात हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है वर्ष 2020 में विश्व मिलेट्स उत्पादन में भारत का जो हिस्सा है वो कितना है, तो 41% मिलेट जो है सिर्फ और सिर्फ भारत में ही प्रोड्यूस होते हैं। अगला है $1 ट्रिलियन गंवाने वाली दुनिया की पहली सार्वजनिक सूचीबद्ध कंपनी कौन सी है, तो ये है अमेजन कंपनी, ठीक है, अमेजन। अगला है सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड किसके लिए शुरू किया गया है, तो MSME के लिए ये फंड जो है शुरू किया गया है। MSME जो है हमारा क्या होता है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, तो सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड जो है ये किसके लिए शुरू किया गया है, तो MSME के लिए। 5,00,000 करोड़ मार्केट कैम्प जो है पार करने वाला देश का तीसरा बैंक कौन सा बन गया है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बन गया है, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगला सवाल है कि कंतार ब्रांडेड, ठीक है एक मिनट, कांतार ब्रॉड जेट लिखा हुआ है, ठीक है, कांतार ब्रांड जेट की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा ब्रांड 2022 में भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड बन गया है, तो ये है TCS। अगला सवाल हम देखते हैं, राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद या GDP के अनुपात के रूप में भारत की वर्तमान लॉजिस्टिक्स लागत कितनी है, तो ये 13-14% के आसपास है। अगला है देश की सबसे लंबी क्रूज सेवा कहां से कहां के बीच में शुरू की गई है, तो ये वाराणसी से बोगीबिल के बीच में शुरू की गई है सबसे लंबी क्रूज सेवा। अगला है दीर्घकालीन खाद्य सुरक्षा में सुधार हेतु एशियाई विकास बैंक या एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा 2022-25 के लिए एशिया प्रशांत को कितनी राशि की सहायता दी गई है, तो $14 बिलियन की राशि दी गई है। 2021-22 में 5,00,000 मीट्रिक टन के अधिक के उत्पादन के साथ भारत किस खाद्य उत्पादन का विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है, तो चीनी जो है हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। अगला सवाल है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार 2023 के लिए वैश्विक व्यापार वृद्धि दर जो है वो क्या होगी, तो ये -2.8% से लेके 4.6% के बीच में। अगला है किस संगठन ने नए सुपर टेक दक्ष की शुरुआत की है, तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा दक्ष की शुरुआत की गई है ना, तो ये फ्रॉड वगैरह से बचाने का काम करेगा। हाल ही में किस बैंक के द्वारा भारत के 6 राज्यों में ग्राम सेवा कार्यक्रम शुरू किया गया है, तो ये है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2022-23 से 2024-25 के लिए कितने लघु अवधि के कृषि ऋण हेतु 1.5% के ब्याज अनुदान को मंजूरी दी है, तो 3,00,000 रुपये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है भारतीय रेलवे की सबसे ऊंची मालगाड़ी जो है वो कौन सी बन गई है, तो सुपर वासुकी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भारतीय रेलवे की सबसे ऊंची या सबसे लंबी मालगाड़ी जो है वो कौन सी होगी, सुपर वासुकी। ब्रिटेन को पीछे छोड़कर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन सा बन गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत, तो भारत जो है 5वें नंबर पर आ गया है। अगला है मानव विकास सूचकांक या जिसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी कहा जाता है के मामले में भारत 2021 में कौन से नंबर पे है, तो ये 132वें स्थान पे। अगला सवाल है भारत अमेरिका के नेतृत्व वाले इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम फॉर प्रोस्पेरिटी के 4 स्तंभों में से 3 में शामिल हो गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कनेक्टेड इकोनॉमी। अगला सवाल देखते हैं, इसमें बोला है कितने किलोग्राम तक के प्री पैकेज्ड और लेबल वाले अनाज दाल और आटे जैसे खाद्य पदार्थों के लिए एकल पैकेज पर 5% जो है वो GST लगाई जाएगी, तो 25 किलो के आसपास, ठीक है। अगला है यूरो मनी द्वारा दूसरी बार किस बैंक को विश्व का सर्वश्रेष्ठ SME बैंक जो है वो घोषित किया गया है, तो डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर को। अगला है 100% लैंडलॉर्ड मॉडल वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन सा बन गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। अगला सवाल है किस राज्य सरकार ने राज्य की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन तक लाने के लिए डेलॉइट इंडिया को एक सलाहकार के रूप में नियुक्त करने का निर्णय लिया है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश ने। अगला है हाल ही की रिपोर्ट के अनुसार लगातार दूसरे साल भारत की सबसे अमीर महिला जो है कौन बनी है, तो रोशनी नादर मल्होत्रा जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। अगला है देश से या कौन से देश वित्त वर्ष 2021-22 में भारत में FDI इक्विटी प्रवाह के शीर्ष 5 स्रोत देशों के रूप में उभरे हैं, तो सबसे पहला है सिंगापुर, फिर है अमेरिका, मॉरिशस, नीदरलैंड और स्विट्जरलैंड।
अगला सवाल है, किस राज्य ने वित्त वर्ष 2021-22 में भारत में FDI इक्विटी प्रवाह का उच्चतम प्रतिशत प्राप्त किया है? तो ये कर्नाटक ने FDI सबसे ज़्यादा प्राप्त किया है। किस देश ने मुद्रा स्फीति से निपटने के लिए सोने के सिक्कों को कानूनी निविदा के रूप में लॉन्च किया है? तो ये किसने लॉन्च किया है? तो ये जिम्बाब्वे ने लॉन्च किया है, ठीक है, जो कि एक अफ्रीकन कंट्री है। अगला सवाल है, इसमें बोला है कि किस भारतीय कंपनी ने अगस्त 2022 में पहली बार फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में प्रवेश किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जीवन बीमा निगम, मतलब लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। अगला सवाल है, इसमें बोला है कि CSR के तहत प्रोजेक्ट चीटा के लिए समझौता पर हस्ताक्षर करने वाला पहला कॉरपोरेट कौन सा है? तो इंडियन ऑयल है। अगला है, अगस्त 2022 मौद्रिक नीति समिति की बैठक के बाद रेपो रेट जो है वो 5.4 के आसपास है, ठीक है। अगला सवाल है, ब्रांड फाइनेंस के द्वारा विश्व के सबसे मजबूत होटल ब्रांड का दर्जा किसे दिया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा ताज को, होटल ताज जो कि मुंबई में है। व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की विश्व निवेश रिपोर्ट भारत कौन से स्थान पे है? तो भारत 7वें नंबर पे है अंकटाट की रिपोर्ट के अनुसार। अगला सवाल है, फिच रेटिंग्स ने चालू वित्त वर्ष के लिए आर्थिक वृद्धि के अनुमान को घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो यह 7.8% कर दिया है, ठीक है, 7.8% कर दिया है। अगला सवाल देखते हैं, किसने इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक और इक्विटास होल्डिंग्स लिमिटेड में विलय के लिए मंजूरी दे दी है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के एशिया प्रशांत विभाग के प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो कृष्ण श्रीनिवासन को नियुक्त किया गया है। हाल ही में बोला है, हिंदुस्तान यूनिलीवर को पीछे छोड़कर कौन सी कंपनी भारत की सबसे बड़ी FMCG कंपनी बन गई है? तो सही आंसर हो जाएगा अदानी विल्मर, ठीक है। अगला है, चीन को पीछे छोड़कर भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन सा देश बन गया है? तो ये अमेरिका बन गया है, मतलब USA। अगला है, भारतीय रेलवे और किस IIT संस्थान ने मिलकर भारत के पहले हाइपर लूप विकसित करने के लिए समझौता जो है वो अभी हाल ही में किया है? तो IIT मद्रास के साथ में ये समझौता किया गया है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्विट्जरलैंड के दावोस में होने वाली विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया है? तो ये पीयूष गोयल ने किया है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पीयूष गोयल। अगला सवाल है, इसमें बोला है क्वेश्चन नंबर 59 में, केंद्र सरकार के अनुसार किस वित्त वर्ष में भारत को $83.57 अरब का FDI प्राप्त हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्ष 2022 में। अगला है, किस इंश्योरेंस कंपनी ने भारत का पहला डेंटल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान जो है वो लॉन्च किया है? तो पंजाब नेशनल बैंक मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस, तो ये लॉन्च किया गया है PNB के द्वारा। अगला है, हाल ही में जारी फोर्ब्स की ग्लोबल 2000 सूची में दुनिया भर में 2022 की सार्वजनिक कंपनियों में सभी भारतीय कंपनी को पीछे छोड़ते हुए रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो ये 53rd प्लेस पे आ चुका है रिलायंस इंडस्ट्री। एप्पल को पीछे छोड़कर कौन सी कंपनी विश्व की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है? तो ये बन गई है सैमसंग। कौन सी बन गई है? सैमसंग। अगला सवाल है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत वर्ष 2021 में क्रिप्टो लाभ के मामले में कौन से स्थान पर रहा है? तो हम 21वें नंबर पर रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने 4 मई 2022 को रेपो रेट जो है 0.4% बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो 4.40। तो ये तो खैर ऐसे सवाल बनते नहीं है एग्जाम में, आप लोग टेंशन ना लीजिए। अगला सवाल है, हाल ही में किस भारतीय बैंक ने MSME के लिए ओपन फॉर ऑल डिजिटल इकोसिस्टम लॉन्च किया है? तो ये ICICI बैंक ने। अगला सवाल है, हाल ही में अकाउंट एग्रीकल्चर फ्रेमवर्क पर लाइव होने वाला पहला सार्वजनिक बैंक कौन सा है? तो ये है यूनियन बैंक। क्या हो जाएगा? यूनियन बैंक। अगला है, हाल ही में 19 लाख करोड़ रुपए के बाजार मूल्यांकन के मार्क को छूने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है? ये बनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज़। अगला सवाल हम देखते हैं, इसमें बोला है एशियाई है ना ACI वर्ल्ड वाइड रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश रियल टाइम लेन देन में पहले स्थान पर है? तो ये भारत है, इसका करेक्ट आंसर। विश्व बैंक ने 2022 के लिए वैश्विक विकास अनुमान को 4.1% से घटाकर कितना प्रतिशत कर दिया है? तो 3.2% कर दिया, मतलब जो वर्ल्ड है वो 3.2% के रेट से जो है वो आगे बढ़ेगा इस ग्रोथ रेट के साथ में। ऑयल इंडिया लिमिटेड ने किस राज्य में अपने जोरहाट पंप स्टेशन पर भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन पावर प्लांट शुरू किया है? तो असम में जो है ना शुरू किया गया है भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट, असम में। कहाँ पे? असम में। अगला है, किसके नीति अनुसंधान कार्य पत्र के अनुसार भारत में अत्यधिक गरीबी में 12.3% की गिरावट दर्ज की गई है? तो ये वर्ल्ड बैंक के अनुसार।
अगला सवाल है, किस बैंक ने सकारात्मक वेतन प्रणाली को लागू कर दिया है? तो यह है पंजाब नेशनल बैंक। अगला सवाल है, किस संस्था ने अभी हाल ही में अफ्रीका के काले गेंडे को बचाने के लिए पहला वन्यजीव बॉन्ड जारी किया है? तो यह है वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक फिर से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, कौन सी कंपनी फीफा विश्व कप 2022 को स्पॉन्सर करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है? तो यह है विप्रो। अगला सवाल है, इसमें बोला है किस बैंक को IFR एशिया अवार्ड 2021 में एशियन बैंक ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यह है एक्सिस बैंक। अगला सवाल है, 2022 में जो है M3M हारून ग्लोबल रिच लिस्ट में सबसे पहले स्थान पे कौन है? तो यह है एलन मस्क। ठीक है, अगला सवाल है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार डिजिटल शॉपिंग में वैश्विक निवेश 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो दूसरे स्थान पर रहा है। भारत का इक्विटी बाजार पहली बार बाजार पूंजीकरण के मामले में विश्व में कौन से स्थान पर पहुंच गया है? तो ये पांचवें स्थान पर पहुंच गया है। अगला सवाल हम देखते हैं, कौन सी कंपनी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड प्रमाणन प्राप्त करने वाली विश्व की पहली लीनियर एल्काई बेंजीन निर्माण कंपनी बन गई है? तो सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु पेट्रो प्रोडक्ट्स। अगला सवाल है, भारत का पहला महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क किस शहर में खोला गया है? तो ये हैदराबाद में खोला गया है। अगला है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने किस शहर में भारत का सबसे बड़ा व्यापार और सांस्कृतिक केंद्र खोला है? तो ये मुंबई में खोला है। कहाँ पे खोला है? मुंबई में। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद की बढ़ोतरी के मामले में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? तो ये है तेलंगाना राज्य। अगला सवाल है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने हाल ही में किस देश को अपनी ग्रे लिस्ट में शामिल किया है? तो यह है संयुक्त अरब अमीरात को। ठीक है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को। अगला सवाल है, सतत विकास सूचकांक 2021 में भारत कौन से स्थान पे है? तो इसमें हम 120 नंबर पे। फिर दिया है नाइट फ्रैंक के दी वेल्थ रिपोर्ट 2022 के संस्करण के अनुसार विश्व स्तर पर अरबपतियों की आबादी में भारत कौन से स्थान पर है? तो हम तीसरे नंबर पर है। अगला सवाल है, न्यू डेवलपमेंट बैंक को किस इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी में कार्यालय खोलने के लिए मंजूरी दे दी गई है? तो गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। अगला सवाल है, इसका सही आंसर देखना है हमको, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक या वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2022 में भारत कौन से स्थान पर है? तो हम 43rd प्लेस पे है। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार अप्रैल दिसंबर 2021 में भारत में FDI इक्विटी अंतर्वाह कितने प्रतिशत घटाकर 43 अरब डॉलर रह गया है? तो ये 16% घटाकर। अगला सवाल देखते हैं, इसमें क्या बोला है कि हारून रिपोर्ट के अनुसार भारत में अमीर परिवारों में वर्ष 2021 में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है? तो 11% की बढ़ोतरी हुई है। अगला सवाल है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने वर्तमान वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत के आर्थिक विकास के अनुमान को घटाकर निम्न में से कितना प्रतिशत कर दिया है? तो ये 9% कर दिया है। अगला सवाल है, किस बैंक ने हाल ही में एग्री इन्फिनिटी कार्यक्रम शुरू किया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यस बैंक ने। ठीक है, अगला सवाल है, ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर 2021-22 रिपोर्ट में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो ये 4th स्थान पर रहा है। किसने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम शुरू किया है? तो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने। ठीक है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने यह शुरू किया है। सेल्स फोर्स ग्लोबल डिजिटल स्किल्स इंडेक्स 2022 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो भारत ने पहला स्थान प्राप्त किया है। कौन सा स्थान प्राप्त किया है? पहला स्थान। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा 14 से 18 फरवरी 2022 तक मनाए जाने वाले वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2022 की थीम जो है वो क्या थी? गो डिजिटल गो सिक्योर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2021 में किसने भारत को रिकॉर्ड 4.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण दिया है? तो ये है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। ठीक है, जो कि मनीला फिलीपींस में है। अगला सवाल है, ग्राहकों को साइबर सीमा समाधान प्रदान करने के लिए किस भुगतान बैंक ने ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस के साथ भागीदारी की है? तो ये एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने। हाल ही में भारत और किस देश ने जो है स्टार्टअप्स को समर्थन देने के लिए जो है मिलकर 150 मिलियन डॉलर का फंड बनाया है? तो ये है UAE और भारत। अगला है, इसमें बोला है भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर एयर इंडिया को किसे सौंप दिया है? तो टाटा समूह को जो है ये सौंप दिया गया है। अगला सवाल है, 100th क्वेश्चन, इसमें बोला है लीप किसका नया स्टार्टअप प्रोग्राम है? तो ये फ्लिपकार्ट का एक नया स्टार्टअप प्रोग्राम है। अगला है, किस संगठन ने हाल ही में वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट जारी की है? तो ये है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। अगला सवाल है, किस देश ने
भारत के साथ दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक एंटी शिप क्रूज़ मिसाइल ब्रह्मोस को खरीदने की मंजूरी दे दी है, तो यह है फिलीपींस। तो हमने फिलीपींस को अभी ब्रह्मोस मिसाइल बेची है। किस विशेष संस्था ने हाल ही में ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट जारी की है, तो यह है वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक ने जो है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट जारी की है। किस बैंक ने हाल ही में फिनटेक के लिए एक अलग आंतरिक विभाग की स्थापना की है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने की है। अगला है गूगल और किस बैंक ने जो है हाल ही में बैंक की ग्राहक अनुभव रणनीति को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है, तो यह है आरबीएल बैंक। ठीक है, आरबीएल बैंक। अगला सवाल है, किसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है, तो यह है पियरे ओलिवियर गोरिनचास। ठीक है, पियरे ओलिवियर गोरिनचास। अगला है, किस राज्य में पहला खिलौना निर्माण कोप्पल टायर क्लस्टर बनाने की घोषणा की गई है, तो ये कर्नाटक में बनाया जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, 108 नंबर का, इसमें बोला है किस बैंक ने हाल ही में मनी ट्रांसफ़र सर्विस स्कीम के तहत अंतर्राष्ट्रीय प्रेषण व्यवसाय के लिए फिनो पेमेंट्स बैंक को मंजूरी दे दी है, तो यह है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई द्वारा किस पेमेंट्स बैंक को अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया गया है, तो यह है एयरटेल पेमेंट्स बैंक। अगला सवाल इसमें बोला है, कौन सी कंपनी ने हाल ही में $3 ट्रिलियन का मार्केट कैप प्राप्त करने वाली विश्व की पहली कंपनी बन गई है, तो ये कंपनी कौन सी बन गई है, तो एप्पल बन गई है। सही आंसर हो जाएगा एप्पल। अगला सवाल है, किस पेमेंट बैंक ने वॉलेट में सीधे अंतर्राष्ट्रीय फंड ट्रांसफ़र को सक्षम करने के लिए मनीग्राम के साथ साझेदारी करी है, तो पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने। अगला है, मूडीज ने 2020 के लिए भारत की GDP में कितने % संकुचन अनुमान लगाया है, तो ये तो पुराना क्वेश्चन हो गया, ये नहीं पूछा जाएगा। -8.9% की बात हो रही है यहाँ पे। अगला है, किस बैंक ने अपने वर्षों पुराने ग्राहकों के लिए एक व्यापक बैंकिंग कार्यक्रम ICICI बैंक माइन शुरू किया है, तो ICICI बैंक ने। ठीक है, अगला है, भारत और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने असम में बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए कितने $1 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं, तो $231 मिलियन ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला है, सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था किस साल UK को पीछे छोड़कर 5वीं अर्थव्यवस्था बनेगी, तो देखो हम तो पहले ही बन गए, है ना, 2025 तक की बात हो रही थी, पहले ही बन गए हम लोग। अगला है, निम्नलिखित में से किस बैंक ने भारत में विस्तार करने वाली विदेशी कंपनियों के लिए ऑनलाइन पोर्टल या इन्फाइनाइट इंडिया लॉन्च किया है, तो यह है ICICI बैंक। ठीक है, अगला है, भारतीय रिजर्व बैंक ने मुद्रा नोटों की प्राप्ति भंडारण और भेजने के लिए किस शहर में एक स्वचालित बैंक प्रसंस्करण केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है, तो ऑप्शन बी जयपुर में। अगला है, किसने ई कृषि हाजिर बाजार प्लेटफॉर्म बीम लॉन्च किया है, तो ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने इसे लॉन्च किया है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने विकासशील देशों के लिए कितने $1 बिलियन का APVAX जो है वो लॉन्च किया है, तो सही आंसर हो जाएगा $9 बिलियन का। अगला सवाल है, इसमें बोला है, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अपनी एशियाई विकास आउटलुक में वित्त वर्ष 2020-21 में भारतीय GDP में कितने % संकुचन का अनुमान लगाया है, तो 8%। अगला सवाल देखते हैं, इसमें बोला है, किस बैंक ने रूपीफाई और वीज़ा के साथ साझेदारी में MSME के लिए रूपी बिजनेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, तो एक्सिस बैंक ने ये लॉन्च किया है। अगला सवाल है, किस राज्य में बिजली वितरण क्षेत्र को मजबूत करने हेतु भारत सरकार ने हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ $133 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो ये मेघालय ने, जहाँ पे गारो खासी और जयंतीय पहाड़ियाँ देखने को मिलती है। हारून ग्लोबल 500 सूची में कितने भारतीय कंपनियों को शामिल किया गया है, तो 11 कंपनियों को। अगला है, किसकी टेस्ला मोटर्स ने बेंगलुरु में पहली इंडियन इकाई स्थापित की है, तो एलन मस्क ने। ठीक है, अगला सवाल है, ब्लूमबर्ग की तरफ से जारी की जाने वाली अरबपतियों की सूची में कौन दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं, तो ये है एलन मस्क। ठीक है, तो फ्रेंड्स, यहाँ हमने टोटल 125 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। अब आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।